चंडीगढ़ नगर निगम में नौकरी लगवाने को लेकर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। 15 से 20 युवकों के साथ लाखों की ठगी हुई। बता दें कि हर एक युवक से 15 से लेकर 20 हज़ार रुपये लिए गए नौकरी लगवाने को लेकर। उनका आई कार्ड तक बनाया गया। देखें शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा। राकेश कुमार जायसवाल, एक बंदा राम दरबार का है, राजू नाम है, और वो हमारे साथ फ्रॉड किया है। 15,000 रुपया मेरे से कैश लिया हुआ है और उसने बोला कि मालिक के काम में आपको हेल्पर में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से ये बोला कि इतने तारीख को 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सैलरी आपकी अकाउंट में आ जाएगी। आज 9 तारीख हो गया और भी लड़के हैं, जो 20 लड़के हैं, सबको फ्रॉड कर रहा है। कभी बोलता है 9 सेक्टर हेडक्वार्टर में लगा रहा हूँ, कभी कहीं लगा रहा हूँ, कभी कहीं लगा रहा हूँ, कभी 33 के पार्क में लगा रहा हूँ, कभी 31 के पार्क में, कभी 32 के, कभी 46 के, कभी 47 के। और हम लोग काम पर जा रहे हैं और ना कोई चेक इन वाला आता है, ना कुछ आता है, और ऐसे ही हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। जब भी सैलरी देने का बोलता है तो वो डेट पा देता है, कभी बोलता है डेट पा देता है, फिर बोलता है छुट्टी आज मत जाना। ऐसे दिन पहले आपसे पैसे दिए थे और क्या नाम? मेरे को हो गया कम से कम 1.5 महीना हो गया पैसे दिए हुए। तो आपसे क्या काम करवाया था, किस काम के लिए? हम जाते थे पार्क में, बैठे रहते थे, कहता था कोई पानी लगा हुआ है पार्क में या फूल तोड़ रहा है, कोई पेड़ तोड़ रहा है तो उसका कंप्लेंट डालो। हम फोटो खींच खींच के डालते थे, ठीक है ना। उसके बाद से जब सैलरी की बारी आई तो हम उस दिन से कह रहे हैं, वो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा, अपनी सुनाई जा रहा है। ये अफसर है तो वो अफसर है, तो आज बैठा नहीं है, तो आज सरदार जी नहीं आए, तो आज मिला कैसे? वो मिला था मेरे को, एक अजय नाम का बंदा है, दुकानदार है हल्लो माजरे के, उनके थ्रू मिला था। मेरे से 15,000 रुपये लगाने का मालिक के काम में कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। हम लोग कम से कम 20 लोग हैं, किसी से 20 भी लिया है, किसी से 15 भी लिया, किसी से 12 भी लिया, किसी से 10 भी लिया है। नगर निगम गए वहाँ पे काम? हम वहाँ जाते हैं लेकिन किसी से मिलाता नहीं है, बोलता बस यहीं पे लगना है, ये करना है। कुछ बना के भी दिया कोई? हाँ जी, ये बना के दिया हुआ है, आई कार्ड बना के दिया हुआ है। कितने लोग हैं आप लोग? 20 लोग हैं। तो आप लोग अभी शिकायत देने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। नगर निगम किसी अधिकारी को शिकायत की है? सर हमारे पास पार्क में जो लगे हुए हैं, जो उनके सुपरवाइजर हैं, उनके जेई हैं, वो कई बार आए, हमने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ये फ्रॉड है, 1-2 तारीख तक देख लो आप लोग, अगर सैलरी डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कंप्लेंट डाल। नहीं अभी नहीं दिया, हमने फर्स्ट बार ये यहाँ पे आए हैं बूथ पे। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर सरबजीत कौर से बात करनी चाहिए तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਕਿਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਚਾਂਸਸ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਰਡ? ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ MC ਦੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜੋਬਸ ਨਿਕਲ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਂ ਤੋ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਮੇਂ ਆਕਰ ਆਪ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। चंडीगढ़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।